रही बात एक बहुत महत्वपूर्ण जो खास तौर से हमारे किसान बंधुओं की बात मैं कहूँ, मैं अक्सर इन क्षेत्रों में जब आता हूँ तो लोगों से जब बात होती है तो उनकी बातों से ऐसा लगता है वो कहते हैं हम तो किसान हैं। किसान होना उसको वो निम्न भाव से देखते हैं, किसान होना कोई बड़ी बात थोड़ी होती है, जबकि क्या बड़ी बात होती है किसान होना, ये विश्व के इतिहास को पलट कर देख लीजिए, अपने पूर्व काल में जाकर देख लीजिए। जब तक भगवान श्री कृष्ण अपने राजा बनने के बाद भी लगभग 14 वर्ष तक प्राकृतिक क्षेत्रों में जाकर उन्होंने तपस्या की है, तब जाकर गीता प्रकट हो रही है उनके अंदर से। गीता ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाती है, गीता प्रकट उसके अंदर से होती है जो जमीन से जुड़ा होता है। जमीन से जुड़े आप लोग हो, श्री कृष्ण और श्री बलराम। श्री कृष्ण एक तरह से गुरु है पांडवों के, बलराम गुरु है कौरवों के, लेकिन श्री कृष्ण जुड़ते हैं प्रकृति के साथ में और बलराम जुड़ते हैं जिनको कहते हैं हलधर, जिसके कंधे पे हल है वही हलधर है, तो वो भी तो किसान है ना। यानी पूरे भारत के, महाभारत के साम्राज्य को चलाने वाला एक पशुपालक श्री कृष्ण है, एक हलधर बलराम है जो दोनों मिलकर चला रहे हैं, लेकिन ये दोनों कृषक हैं। क्षमता नहीं थी किसी और में चलाने की। कृषक वो होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं। जब तक इंसान जमीन से नहीं जुड़ा होगा तब तक वो आकाश की ऊंचाई को छू नहीं सकता, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ाई क्यों ना कर ले। पतंग चाहे कितनी भी ऊंची उड़ रही हो, कितनी भी अटखेलियां खेल रही हो, कितनी भी मस्ती में गा रही हो कि आज मैं धरती से ऊपर हूं, बहुत ऊंचाई पे हूं, लेकिन डोर तो किसी धरती वाले ने पकड़ के रखा है ना। जब तक उसने डोर पकड़ा नहीं रहेगा तब तक वो अटखेलियां नहीं खेल सकती, वो उड़ नहीं सकती है। इसलिए जमीन से पकड़े रहना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी पूरे विश्व में घूमते रहे, लंदन में पढ़ाई की, अफ्रीका में सर्विसेज किए, सब कुछ करते रह गए, कोई नहीं जाना उनको, उनके परिवार के सिवा। गुजरात में उनके परिवार के सिवा कोई नहीं जानता था महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी जब इसी की कृषि क्षेत्र में आते हैं, चंपारण की भूमि, इस भूमि में आते हैं, तो पूरा विश्व जान जाता है, पूरा विश्व जान जाता है। क्योंकि जब तक आप किसानों से नहीं जुड़ोगे, उससे पहले जितने मुद्दे थे वो सारे मुद्दे कोई और मुद्दे थे, लेकिन महात्मा गांधी का पहला मुद्दा खेती से जुड़ा था, नील क्रांति से जुड़ा था, और तभी से जाकर किसानों का आशीर्वाद लेकर ही पूरे विश्व के मानस पटल पर छा गए थे। इसलिए किसान बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने आप को कभी मत समझिए कि हम छोटे हैं, हम किसानी का काम कर रहे हैं। आपको पता है हमारे भारत के किसानों को मैं देखता हूं, दो चीजें आप लोगों को दीमक की तरह खा रही है। पहला आपका स्वास्थ्य, दूसरा आपके घर की लड़ाइयां। इन दो चीजों से अगर आप बच गए ना तो ये भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बन सकता है और सोने की चिड़िया भी बन सकता है। चाणक्य से पूछा था किसी ने कि क्षमता है आप में, ज्ञान है आप में, सब कुछ तो आप कर सकते हो, चंद्रगुप्त को राजा क्यों बना रहे हो? वो कहते हैं वो कृषक का बेटा है ना, जमीन से जुड़ा है, इसलिए वही साम्राज्य कर सकता है। जो जमीन से जुड़ा होता है वही राज्य भी चला सकता है। आज देखिए भारत में क्या हो रहा है, लोग अपने आप को बड़े फख्र से कहते हैं हम राजनीतिज्ञ हैं। 70 वर्ष आजादी के बाद भी राजनीतिज्ञों ने कहां भारत को पहुंचाया है वो सब कुछ आपके सामने पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। भारत की क्या स्थिति हो रही है 70 वर्षों में, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश हमारे साथ आजाद हुए हैं और आज वो विकसित राष्ट्रों में उनकी गिनती होती है, जबकि हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले, ज्ञान की गुरु कहे जाने वाले, आज हम इतने पिछड़े हैं। तो ये जो स्थिति हमारी हो रही है, आज हमारे देश को राजनीति की जरूरत नहीं है, आज हमारे देश को राष्ट्रनीति की जरूरत है। इस राष्ट्र को चलाने की नीति बननी चाहिए, प्रत्येक इंसान के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ, चूंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन ये नागरिक मंच तो है ना, नागरिक अपनी बातें तो कर सकता है ना। मैं देखता हूँ कोई सरकार केंद्र में बनती है, दूसरे विपक्ष के जितने लोग हैं वो ठीक चिल्लाना शुरू कर देते हैं उसकी सारी कमियों के ऊपर, लेकिन जब वो सरकार कुछ अच्छा कार्य करती है तो मौन रह जाते हैं, ऐसे जैसे जिंदगी में कभी बोलना इनको आया ही नहीं। सरकार चाहे कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो,
ये परंपरा भारत में शुरू होनी चाहिए कि अगर वो सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो आप तारीफ जरूर करो, अगर विरोध करने की क्षमता आपके अंदर है तो तारीफ भी करना सीखो। मधुमक्खी बनने की कोशिश करो, ना कि घाव पे बैठने वाली मक्खियां मत बन जाओ कि हमेशा घाव ही तलाश करेंगे कि कहाँ इसके अंदर बुराइयां हैं। जिस दिन ये कल्चर शुरू होगा हमारे देश में, यानी अगर हम बुराई पे बोलने जा रहे हैं तो अच्छाइयां भी बोलने की हिम्मत रखेंगे, तो निश्चित तौर से इस देश का कल्याण हो जाएगा। गणपति गणेश, वो गणपति गणेश हैं जो गणों के पति हैं, उन्हें को गणपति गणेश कहते हैं। पसंद है मोदक, लड्डू पसंद है जो बूंदिया से बनता है। भगवान गणपति गणेश को कभी बूंदिए को प्लेट में रख के नहीं चढ़ाया जाता है, जब भी चढ़ाया जाता है तो मोदक ही चढ़ाया जाता है। भगवान यही कहते हैं, बिखरे बिखरे रहोगे तो मुझे पसंद नहीं है, संगठित होकर लड्डू बनकर आओ तो मैं स्वीकार करूंगा। ये संगठन जरूरी है, और ये संगठन तभी हो सकता है जब ऊपर के ओहदे पे बैठे हुए लोग अपने जमीन पे कार्य करने वाले किसानों को श्रद्धा दें, कहें कि मैं जिस पतंग की तरह उड़ रहा हूं वो सातवें आसमान पे, डोर तो किसी किसान पिता ने, किसी किसान दादा ने पकड़ के रखा है। इसलिए किसानों से जुड़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। किसानों से अगर हम जुड़ेंगे तभी हमारे जीवन का कल्याण हो पाएगा।